आप सभी का स्वागत है EIS प्रिस्क्रिप्शन में और आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि UGPG के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, चाहे वो वार्षिक की हों या फिर सेमेस्टर की हों, आप लोगों के मन में इस वक्त कई सारे सवाल हैं कि किन्हें प्रमोट किया गया है, किन्हें प्रमोट नहीं किया गया है, चाहे वो वार्षिक की हों या फिर सेमेस्टर की हों। अगर आप लोगों को प्रमोट किया जाता है और अगर आप उस नंबर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो क्या आप लोग दोबारा जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, क्या पूरी व्यवस्था की गई है? क्योंकि कल जो यूपी के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उनकी ओर से जो पूरी जो गाइडलाइन थी यानी जो दिशा निर्देश हैं वो विश्वविद्यालयों को जारी किए गए हैं। तो आखिर किन की परीक्षाएँ हो रही हैं और किन की परीक्षाएँ नहीं हो रही हैं, इस तरह के जो कई सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में, वो उन सभी सवालों के जवाब आज आपको सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा। आपको फिर से कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत यूट्यूब पर नहीं पड़ेगी। आप अलग अलग वीडियो देख के परेशान भी मत होइएगा। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लें और आपको जो भी सवाल हो अपने सवाल को कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो कि इस पेपर में आज ही के दिन पूरी जानकारी आई है कि UGPG के छात्र भी प्रणोत अंतिम वर्ष की होगी परीक्षा। इसके बाद कहा गया कि बिना इंतहाम दिए द्वितीय वर्ष में प्रणोत छात्रों की भी परीक्षा, यानी कि यहाँ पे पूरी बातें क्या कही गई हैं सिर्फ आप सुन लें, पूरी वीडियो को देख लें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण समस्त विश्वविद्यालय एवं डिग्री कॉलेजों में जैसा कि UGPG की जो अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। बाकी सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रणोत देने के निर्देश दिए गए हैं। अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाएं अगस्त के मध्य तक संपन्न करा ली जाएंगी। रिजल्ट भी 31 अगस्त तक घोषित कर दिया जाएगा। उस शिक्षा के करीब इस फैसले से 41 लाख छात्र छात्रों को राहत मिलेगी। UGPG के अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सिर्फ एक प्रश्न पत्र होगा और बहुविकल्पी सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा का समय भी 1 या 1.5 घंटे होगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की ओर से सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश दिया गया कि जिन विश्वविद्यालय में वार्षिक की परीक्षाएं लागू हैं वहां UG के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रणोत किया जाए और जिन विश्वविद्यालय में इस वर्ष UG प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं हो पाई थी उन छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रणोत किया जाए तथा वर्ष 2022 में होने वाली द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष की परीक्षा के अंक निर्धारित किए जाए। जिन विश्वविद्यालय में वर्ष 2020 में UG प्रथम वर्ष की परीक्षा हुई थी वहां द्वितीय वर्ष के छात्रों के अंक प्रथम वर्ष की परीक्षा के अंक के आधार पर तय कर उन्हें तृतीय वर्ष में प्रणोत दे दिया जाए। जिन विश्वविद्यालय में कोरोना के कारण UG प्रथम वर्ष की परीक्षा वर्ष 2020 में नहीं हो पाई थी और विद्यार्थियों को दूसरे वर्ष में प्रणोत कर दिया गया था वहां छात्र द्वितीय वर्ष की परीक्षा देने के बाद ही तृतीय वर्ष में प्रणोत किए जाएंगे। इस तरह के PG के विद्यार्थी भी प्रणोत होंगे। दूसरी तरफ जिन संस्थान में सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ वहाँ के UG के प्रथम एवं तृतीय तथा PG प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं वहाँ स्नातक द्वितीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर तथा PG द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर तथा मिड टर्म परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन के अंक के आधार पर तय किए जाए। जहां विषम एवं सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई हैं वहां मिड टर्म यानी कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विषम सेमेस्टर एवं सम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर रिजल्ट तैयार किए जाए। जो विद्यार्थी इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है वो अगले वर्ष 2022 के बैक पेपर परीक्षा या फिर वार्षिक परीक्षा में शामिल होकर अपने अंक सुधार सकेंगे। 13 सितंबर से नया शैक्षिक सत्र शुरू होंगे और ऐसे में प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हो कि जहाँ पे पूरी जानकारी आ चुकी है कि अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं हुई हैं तो सेकंड सेमेस्टर का जो अंक होगा वो आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, चाहे वो UG की हो या फिर PG की हो। इसी तरह से वार्षिक में भी किया गया है कि वहीं पर सिर्फ सेकेंडरी की परीक्षाएँ होंगी। जहाँ पर 2020 में छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है तो वहाँ पर आप लोगों को सेकेंडरी की परीक्षाएँ देनी होंगी और जहाँ पे आप लोग पिछले साल अगर पेपर दिए हैं तो आप लोगों को इस साल परीक्षा नहीं देनी होगी। तो ये बातें पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई हैं। तो बाकी और जो जानकारी आप लोगों के लिए आएगी वो आप लोगों को देते रहेंगे, इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।